अभी मैंने बेल पत्र का पत्ता तोड़ा है और उसमें जो है कीड़ा लगा हुआ है, बर्क्स लगा हुआ है। और ये बेल जो कीड़ा है आम तौर पर बेल पत्र पर और नींबू पर ऐसे पक्के पौधों में लगता है, तो आपको मैं दिखा रही हूँ ये करता क्या है। तो ये देखिए, ये जो है इसको आप पकड़ के कपड़े से भी निकाल सकते हैं इजीली, या सिर्फ एक पत्ता तोड़ के भी आप इसे निकाल सकते थे, बट मैंने ये यहाँ तक की पूरी डंडी ही तोड़ के इसको साइड कर दिया है। तो ये जो कीड़ा देख रहे हैं ये अपने अंडे देगा, अंडे से इसके और ज़्यादा जो है इस तरह से कीड़े बनेंगे। और ये कीड़ा जो है आगे जाके बटरफ्लाई वाला काम करता है, ये बटरफ्लाई बनता है बड़ी सुंदर सी, ठीक है। तो ये देखे कि देखने में ही थोड़ा अलग सा है, ये बड़ा ही सुंदर से बटरफ्लाई बनता है आगे जाके। तो आप इसे सेव कर सकते हैं, यानी आप इसे पाल सकते हैं, बट आई एम सॉरी, मैं इस काम में बेकार हूँ, मैं नहीं कर सकती ये काम। तो मैं इसे हटा दूंगी और मैं इसे हटा ही रही हूँ, और कीड़ों को हटाने का मेरा बेस्ट तरीका यही है कि जिस कीड़े में अगर आपको जिस ब्रांच में या पत्ती में अगर आपको ये कीड़ा दिख रहा है या दो कोई भी कीड़ा दिख रहा है उसको काट के हटा दो, सबसे पहला काम ये है। तो फ्रेंड्स देखा, मैंने उसे हटा दिया है। इस तरह के जो बग्स है ना ये ज़्यादातर बेलपत्र में लगता है, यही वाला स्पेशली लगता है। और आपको ये चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम कि आपके पौधे में क्या चल रहा है, आपको टाइम टू टाइम इसमें जो है पेस्टिसाइड डालते रहना चाहिए। अगर आप नीम ऑयल 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार इस पे छिड़कते रहेंगे तो कीड़ा नहीं लगेगा। और फिर भी बाई चांस अगर आप कुछ दिन के लिए ध्यान नहीं दे पाते, कई बार होता है कि नहीं दे पाते, बहुत काम हो जाता है, बिजी हो जाते हैं, नहीं दे दे पाते, फोकस सिर्फ वॉटरिंग कर कर ही रह जाते हैं, तो इस तरह से अटैक हो सकता है। तो फिर भी आप इतना चेक करते रहिए कि आपके पौधे में कहीं से कोई होल्स तो नहीं हो रहा, या फिर चेक करते रहिए कहीं पत्तियों में कोई कुछ और कोई बग्स तो अटैक नहीं कर रहा, तब आप इस तरह से 2-3 बार नीम ऑयल स्प्रे कर दीजिए और ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा मेरा बेस्ट जो मैं तरीका आपको बताया है कि जिस जगह पर कीड़ा लगा हो उस जगह को आप तोड़ के निकाल दीजिए, बहुत ही अच्छा तरीका है, इजी तरीका है, और आप इसे निकाल लीजिए, चेक कर लिए ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो आप उसे कितना तोड़ेंगे, है ना। तो उसके लिए तो सीधी सी बात है, आप नीम ऑयल यूज़ करिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, हफ्ते में 2 बार तो आपको तब करना ही करना है, तभी जाके वो कीड़ा या जो भी लगा हुआ है तभी वो हट पाएगा। लेकिन अगर जिस तरह से आपको मैंने बताया कि वो कीड़ा था और वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक या दो लीफ में ही था, तो मैंने उसे कट के हटा दिया। अगर आपको ज़्यादा हो जाए तो आपको ऑब्वियसली आपको नीम ऑयल यूज़ करना ही पड़ेगा। तो दो तरीके हैं, एक आप उसको कट के हटा दीजिए, दूसरा नीम ऑयल डाल दीजिए, या फिर दूसरे फर्टिलाइजर भी आते हैं आप वो यूज़ कर लीजिए। मुझे तो नीम ऑयल बेस्ट लगता है। इसके अलावा आप जैसे कीड़ा था तो आप कोई बेकार कपड़ा वगैरह हो तो आप उसके थ्रू उसको पकड़ कर भी आप हटा सकते हैं। तो अगर आप इसमें इजी, आपको ये इजी लगता, कंफर्टेबल लगता तो आप वो भी कर सकते हैं, या सिर्फ कीड़े को किसी चीज़ से पकड़कर आप उसे हटा दीजिए। तो मुझे तो वो इजी नहीं लगता, मैं कीड़ा नहीं पकड़ सकती, मैं सीधे कट करके हटा देती हूँ। इससे एक और फ़ायदा हो जाता है, इसी बहाने पौधे की जो ब्रांच है उसमें पिंचिंग भी हो जाती है। पिंचिंग हो जाने से क्या है कि फिर से वही प्रूनिंग करना, प्रूनिंग हो जाती है अपने आप तो फिर न्यू लीव्स ग्रो होते हैं। तो हमेशा अपने प्लांट को पिंच करते रहिए और नए लीव्स देते रहिए, मैं हमेशा कहती हूँ। और ये देखिए इसकी ब्रांच, मैंने अभी इसके अंदर मैंने इसको तोड़ा है, तो अभी कुछ टाइम मुझे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसमें नई लीव्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और फ्रेंड्स हमेशा इंक्वायरी आती है कि हमारा प्लांट फ्रेंड्स ग्रो नहीं कर रहा है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो बेलपत्र है ये एक पक्का पौधा है, ठीक है, ये ग्रो करता है बट स्लो ग्रो करता है। जब ये करता है तो एकदम से बूस्ट होके करता है, और जब नहीं करता ना थोड़ा स्लो हो जाता है, बहुत स्लो, ऐसा लगता है कि कुछ कर ही नहीं रहा है ये, बिल्कुल मतलब इसमें ग्रोथ ही नहीं हो रही। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, जब ये पीक पकड़ेगा तो एकदम से बूस्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंट रखना है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है, वाटरिंग करनी है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी, जड़ें सड़ सकती हैं ना।
और आजकल तो बारिश भी हो रही है तो फंगस भी लग सकता है। हाँ फ्रेंड्स, फंगस की बात बोलना चाहूंगी, आजकल जो है पौधे में ज्यादा पानी की वजह से काई वगैरह सी लग रही है, फंगस वगैरह व्हाइट व्हाइट ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है। तो अगर आपके प्लांट में वाटर की जरूरत हो तभी दें, वरना मत दें। और जब सूख जाए, यानी कि एक दो दिन हो जाए, ये सूख जाए, जब पानी खत्म हो जाए लगभग, माइल्ड पानी ही बचा हो तो आप उसकी जो है गुड़ाई कर दें। इससे क्या है कि मिट्टी में सांस लेने के लिए बनेगी, ऊपर जो काई से जम जाती है उससे जो है प्लांट को थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है, तो थोड़ी गुड़ाई वगैरह कर दें, ज्यादा ओवर वाटरिंग ना करें। तो फ्रेंड्स ये देखें, मेरे प्लांट में अभी भी कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है। और ये देखिए, ये पिंचिंग का ही असर है, आप बस पिंच करते रहिए। अगर मैं अभी से ही इसको यहाँ से तोड़ दूँ ना, छोटी सी डाली, तो भी ये अलग से और जो है ब्रांचेस ले लेगा। और फिक्र मत कीजिएगा, ये जितनी ज़्यादा आप इसकी करेंगे, जो पिंचिंग करेंगे, ये उतनी ग्रोथ करेगा, फिक्र मत कीजिए। और ये इसमें जो बड़े बड़े कांटे हैं ना, ये देखिए, ये बड़े बड़े कांटे हैं ना, जब भी इसके पास जाओ ना तो कांटे बड़े चुभते हैं। तो अगर आपका बेल पत्र छोटा है, मतलब कुछ 3 से 4 फीट का है, तो आप इतनी ज़्यादा उसकी पिंचिंग ना करें। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए तब जाके उसके बारे में सोचें, नई ब्रांचेस बनेगा, थोड़ी उसको हाइट पर करने दें, उसके बाद ही आप करें। तो फ्रेंड्स बस ये छोटा सा अपडेट था कि कैसे आप अपने प्लांट को कीड़ों से बचाएं। नीम ऑयल यूज़ करें, आप दूसरे घर से बने भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे सर्च कीजिए। और जैसे कि मुझे एक और बहुत अच्छा लगता है, हल्दी का पानी, वो डालने से भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय।